अरविंद केजरीवाल जी उनसे आगे कोई नहीं जा सकता। ऐसे गंभीर सा चेहरा बना करके आप याद करिए, वो निकलते हैं टीवी पे, सुबह टीवी ऑन करिएगा तो केजरीवाल जी आपको नजर आएंगे, दोपहर को केजरीवाल जी और शाम को भी, मतलब पूरा दिन टीवी पे रहने वाले केजरीवाल जी कैसे पैसा खर्च करते हैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक योजना लेकर आए कि हम शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, इसलिए दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना, ये मनीष सिसोदिया जी जो उनके मंत्री हैं, तो जो अभी घोटाला किया था ना एक्साइज वाला, वही मनीष सिसोदिया जी। तो ये मनीष सिसोदिया जी 2015 में एक स्कीम लाए अरविंद केजरीवाल कि हम जो है बच्चों को लोन देंगे और बच्चे जो 10वीं और 12वीं में हैं ये लोग लोन लेके बिना गारंटी के, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, कोलैटरल नहीं, कुछ भी नहीं, हम दे देंगे 10 लाख का लोन देंगे एक बच्चे को और ये सब उच्च शिक्षा में जाएंगे। और इस साल 21-22 में 89 ऐसे छात्रों ने इस योजना के अंतर्गत अप्लाई किया कि अरविंद जी हमें लोन दीजिए आपने कहा था। तो 89 में से अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अध्ययन किया, मनीष सिसोदिया जी ने अध्ययन किया, बहुत अध्ययन करने के बाद 2 लोगों को लोन दिया। मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया, इनको केवल 2 लोग दिखे कि 2 लोग ही दे सकते हैं, काबिल है, तो 2 बच्चों को सिलेक्ट किया। कितना दिया होगा पता नहीं, किसी को 5 भी दे सकते, किसी को 6, मैक्सिमम चलिए मान लीजिए 10 लाख दे दिया, मतलब 10-10 गुण मिला करके 20 लाख मैक्सिमम दिया होगा, हो सकता है उससे कम दिया हो क्योंकि लोन की जो व्यवस्था है वो मैक्सिमम 10 लाख की है, तो हो सकता है 10 दे दिया, चलिए 20 लाख रुपए लोन दिया। और आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट कितने का किया, किसी ने आरटीआई किया था तो आरटीआई का रिपोर्ट आया, घबरा जाएंगे आप सुनकर के, 10 लाख रुपए का लोन दे के 19,50,00,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, 50 लाख, 19 करोड़। हाँ हाँ, जितने का बबुआ नहीं उतने।